नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय व प्रामाणिक न्यूज चैनल श्री डूंगरगढ़ टाइम्स। आइए देखते हैं आज 8 नवंबर 2024 को हमारे क्षेत्र से खास खबरें एक साथ वीडियो न्यूज बुलेटिन में। क्षेत्र में गत 3 नवंबर को दिन दहाड़े एक कार में सवार 5 जनों ने कालू रोड पर एक थार गाड़ी को रुकवाया और उसमें सवार एक जने के साथ लूटपाट करते हुए मारपीट की। बड़े शहरों की तर्ज पर बाहर से आकर हमला और लूट करने के इस मामले ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी और पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए घटना की 72 घंटे में ही सफलता हासिल करते हुए अज्ञात लुटेरों की पहचान करते हुए धर पकड़ कर एक लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वारदात में काम ली गई स्विफ्ट गाड़ी भी जब्त कर ली है। श्रीडूंगरगढ़ थाना अधिकारी इंद्र कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता देखते हुए उच्चाधिकारियों के निर्देशन में अलग अलग टीमें गठित की गई और इस रोड पर लगे अलग अलग सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। मुखबिरों की सूचना से पुलिस ने आरोपियों के हरियाणा के होने और वारदात के बाद उत्तर प्रदेश की ओर भाग जाने की लीड मिली। इसके बाद कांस्टेबल राजवीर ढाका की विशेष भूमिका से एक आरोपी हरियाणा के भट्टूकला थाना क्षेत्र के गांव बोदीवाली निवासी रविंद्र उर्फ टन्ना को धड़ दबोचा। वारदात में शामिल अन्य 4 आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जिनकी पकड़ के लिए पुलिस के प्रयास जारी हैं। मामले में जांच अधिकारी ASI रविंद्र सिंह की अगुवाई में पुलिस दल ने मामले के खुलासे में सफलता हासिल की। विदित रहे कि 3 नवंबर को रतनगढ़ के बीना देश निवासी 34 वर्षीय राधेश्याम पुत्र लक्ष्मी नारायण ब्राह्मण अपनी थार में क्षेत्र के गांव गुसाई सरबड़ा में अपने मामा के यहां मिलने जा रहे थे। रास्ते में पड़ने वाले डंपिंग यार्ड के पास स्विफ्ट सवारों ने उनकी गाड़ी को रुकवाया और लोहे के सरियों से हमला करते हुए 228 ग्राम सोने की चैन व कड़ा लूट कर फरार हो गए। परिवादी ने उसे जान से मारने की नीयत से हमला करने की आशंका जताते हुए थाने में मामला दर्ज करवाया था और प्राथमिक नजरिए से मामला केवल लूट का नहीं होकर जान से मारने के इरादे से हमला करना ही सामने आ रहा है। इस लूट की वारदात के बाद विधायक ताराचंद सारस्वत भी एक्टिव रहे और जिला पुलिस अधीक्षक सहित CO व CI से बातचीत कर क्षेत्र में इस तरह के अपराधियों के हौसले बुलंद होने पर चिंता जताते हुए सख्त कार्रवाई की बात कही। शनिवार को कार्तिक मास की अष्टमी को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। गौरवपथ स्थित गोपाल गौशाला के आगे प्रतिवर्ष की भांति मेला भरेगा और गौशाला प्रांगण में दोपहर 2 बजे से भव्य सांस्कृतिक आयोजन होगा। दिन भर गौशाला प्रांगण में कृष्ण पूजन व गौ पूजन के कार्यक्रम होंगे। वहीं सरदारशाह रोड पर ओसिया माता विद्यालय मंदिर के पीछे स्थित श्री परमार्थ बाल गौशाला प्रांगण में भी सुबह 8 बजे से श्री कृष्ण पूजन, 9 बजे गौ पूजन और 10 बजे उद्बोधन कार्यक्रम होगा। गांव कोटासर के श्री करणी गौशाला में कल सुबह 9 बजे स्वामी सत्यानंद गिरिजी महाराज के सानिध्य में गोपाष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा। यहां हवन अनुष्ठान, गो पूजन, दिव्य गो सत्संग, महिमा प्रवचन, गो सेवकों एवं अतिथियों सहित दानदाताओं का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गांव बाना के भोमाणी परिवार द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती बालिका छात्रावास श्रीडूंगरगढ़ में एक कमरे का निर्माण करवाने की स्वीकृति शुक्रवार को समिति सदस्यों को दी गई है। छात्रावास अधीक्षक श्रवण कुमार भामू ने बताया कि बाना के दिवंगत आसी देवी, नानू राम बाना, पुत्र दिवंगत भोमाराम बाना की स्मृति में उनके पुत्र एडवोकेट लूणाराम बाना और प्रभुराम बाना द्वारा एक कमरे के निर्माण की घोषणा की गई है। छात्रावास समिति के अध्यक्ष एडवोकेट श्याम सुंदर आर्य एवं मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों ने दानदाता परिवार का आभार जताया। श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र से सभी राजनीतिक, आपराधिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक समाचारों से जुड़ने के लिए आप आज ही जुड़े श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के साथ और अपडेट रहें अपने क्षेत्र की हर खबर से। धन्यवाद। शुभरात्रि।